हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफ प्रतीक एंड वेलकम टू माय किचन। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही आसान है। ये रेसिपी बनाने के बाद आप इसे और भी बहुत सारे टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं डाल रहा हूँ 4 बड़े चम्मच बटर। मैंने बटर को मेल्ट करके ही यूज़ किया है, इससे मेजरमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर 4 बड़े चम्मच बटर लेने के बाद हम इसमें 4 बड़े चम्मच ही डाल देंगे मैदा। हमें बटर और मैदा एकदम सेम क्वांटिटी में ही रखना है। फिर चाहे तो आप इसे वेट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे मेरी तरह चम्मच से भी नाप के डाल सकते हैं। फिर 4 बड़े चम्मच मैदा डालने के बाद मैं बटर और मैदा दोनों को ही अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा और गैस का फ्लेम हमें एकदम कम ही रखना है। वैसे बटर और मैदा का ये जो मिक्सचर रहता है इसे रू कहा जाता है और हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक सूखा मैदा अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। पर हाँ, हमें रू को इतना भी नहीं पकाना है कि इसका रंग लाल या फिर ब्राउन हो जाए। हमें इसका रंग बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। जैसे इस तरह का रंग हो जाए हम गैस बंद कर देंगे। फिर रू का गैस बंद करने के बाद हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हम डाल देंगे दूध। दूध हमें ले लेना है 1.5 कप। आप चाहे तो 2 कप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 1.5 कप दूध लेना ही है। 1.5 कप दूध डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम एकदम तेज़ कर दिया है और अब मैं दूध में उबाल आने का इंतज़ार करूंगा और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए हम गैस कम कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज में ही लौंग और तेज़पत्ता किस तरह से लगा दिया है। मैंने एक प्याज ले लिया है, 1 तेज़पत्ता और 8 से 9 लौंग। मैंने इस तरह से प्याज, तेज़पत्ता और लौंग को क्यों लगाया है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दूध को पहले हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है, उसके बाद डालना है ये 3 चीज़ें। फिर प्याज, लौंग और तेज़पत्ता डालकर हम इसे 5 मिनट और पकने देंगे और गैस का फ्लेम हमें कम पे ही रखना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम तीनों को निकाल लेंगे। हमें सिर्फ तीनों का फ्लेवर चाहिए था दूध में। प्याज में इस तरह लौंग और तेज़पत्ता लगाने से इन्हें दूध से अलग करना बहुत ही आसान हो जाता है। हर रेस्टोरेंट में वक्त बचाने के लिए यही तरीका यूज़ किया जाता है। तो प्याज, लौंग और तेज़पत्ता अलग करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को हल्का सा ठंडा होने देंगे। दूध हल्का हल्का गर्म रहेगा तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ठंडा होने के बाद ही यूज़ करें। फिर हमने जो रू बना के रखा था अब हम उसमें मिला लेंगे दूध। अब हमें इसमें एक साथ सारा दूध नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और हाँ, मैं कोई और दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें हमने अभी प्याज और मसाले डाल के बनाए थे मैं वही दूध की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी थोड़ा सा ही दूध डाला है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। अगर आप इसमें एक साथ पूरा दूध डाल देंगे तो इसमें लम्स यानी गांठे पड़ जाएंगे। फिर अभी तक जो हमने मेहनत की है वो सारी की सारी बर्बाद। धीरे धीरे दूध डालकर इसे मिक्स करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जो वाइट सॉस बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है और इसे अच्छी तरह से बनाना है। और हाँ, मैं इधर विस्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ मिक्स करने के लिए। अगर पॉसिबल होगा तो आप भी विस्क का ही इस्तेमाल करें। अगर विस्क नहीं है आपके पास तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें धीरे धीरे दूध डालकर तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का ना हो जाए। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया सॉस। और जब इस तरह से सॉस बन जाए तब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी इसमें दूध मिला सकते हैं। फ्लेवर वाला दूध मैं ऑलरेडी इसमें यूज़ कर चुका हूँ, अब मैं इसमें अलग से एक्स्ट्रा दूध डाल रहा हूँ। मुझे सॉस हल्की सी थिक लग रही थी इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते कि मैंने पूरे रेसिपी में 2 कप दूध यूज़ कर लिया है, 1.5 कप फ्लेवर वाला दूध और 1/2 कप नॉर्मल दूध। फिर मैंने जो अलग से दूध डाला था मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसका गैस बंद कर देंगे। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने दूध उबालने के अलावा बाकी पूरा कुकिंग कम फ्लेम पे ही किया है। तो हमें सॉस जितना गाढ़ा चाहिए उतना करने के बाद हमें गैस बंद करना है और गैस बंद करने के बाद हम इसमें मिला लेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम नमक और वाइट पेपर पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो नमक और वाइट पेपर पाउडर मिलाने के बाद अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इस बेस से व्हाइट सॉस पास्ता या फिर क्रीमी मशरूम जैसी और भी टेस्टी रेसिपीज़ बना सकते हैं।